फ्रेंड तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में जो है फ्रेंड वो है पहले कि अपने वॉल पे जो पहले पुट्टी करें या फिर प्राइमर। तो फ्रेंड दीवाल जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है नया दीवाल और एक होता है पुराना दीवाल। तो पहले हम नया दीवाल पे पुट्टी करें या फिर प्राइमर, तो फ्रेंड इस वीडियो में आपको फुल जानकारी मिलेंगे। तो फ्रेंड वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा। तो फ्रेंड मेरा नाम है सोनू और आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सोनू पेंटर को। तो फ्रेंड जैसा कि आप मान लीजिए कि आपका नया दीवाल है, तो नया दीवार पे हम पहले क्या करेंगे कि पहले आपको प्राइमर नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप चाहे तो प्राइमर कर सकते हैं, नहीं तो आपको प्राइमर नहीं किए हुए भी पुट्टी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको नया दीवार है तो उसके क्या करना है फ्रेंड कि पत्ती को जो होता है दाना वाना उसको पत्ती से झाड़ देना है और उसके बाद आपको दीवार को तराई कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। और तराई करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको सूखने के बाद हम पुट्टी यानी कि एक कोट पुट्टी कर देंगे और फिर यानी कि 4 से 5 घंटे के बाद हम डबल कोट पुट्टी कर देंगे। और उसके बाद फ्रेंड आपको अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेना है। रगड़ाई करने के बाद आप प्राइमर कर सकते हैं, कोई अच्छा सा प्राइमर आप कर लीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड आपको नया दीवाल में। तो पुराना दीवाल में फ्रेंड क्या होता है कि जैसा कि मान लीजिए पुराना दीवाल है आपका सफेदी हो गया, फिर समोसम हो गया, बहुत सब तरह के पेंट पहले किया हुआ होता है, उसको क्या करना है फ्रेंड आपको पत्ती से या फिर मशीन से अच्छी तरह से रगड़ाई कर लेना है। रगड़ाई करने के बाद फ्रेंड आपको अच्छी तरह से झाड़ झूड़ के यानी कि आप प्राइमर कर देना है। प्राइमर करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, दो कोट पुट्टी कर देना है, ठीक है फ्रेंड। दो कोट पुट्टी करने के बाद फिर आपको रगड़ाई कर लेना है। रगड़ाई करने के बाद फिर आपको एक कोट यानी कि प्राइमर करना है, ठीक है फ्रेंड। उससे क्या होता है फ्रेंड कि हमारा जो पुराना वॉल होता है, पुराना वॉल पर यानी कि दो कोट प्राइमर करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। उससे क्या होता है कि हमारा पुराना दीवार जो होता है वो पुट्टी को दोनों तरफ से यानी कि मजबूत बनाए रखता है, ठीक है फ्रेंड। तो प्राइमर हम इसीलिए करते हैं। तो हम आप लोग जान गए होंगे कि पहले हम पुट्टी करें या फिर प्राइमर। अगर आपका नया दीवार है तो आप पहले पुट्टी कीजिए, अगर पुराना दीवार है पहले आप प्राइमर कीजिए। तो पुराने दीवार में आपको दो कोट प्राइमर करना पड़ता है और नए दीवार में आपको एक कोट यानी कि प्राइमर करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको अगर कुछ और नया जानकारी चाहिए तो कमेंट में आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।